परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इस हाउस में बहुत कुछ कहा गया है, उनके प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया गया है, करना भी चाहिए, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहता हूं कि हमें इस बात का गौरव भी है, हमें गर्व भी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि उन्होंने आदरणीय या पूज्य बाबा साहब की याद में जो पंच तीर्थ विकसित किए हैं, मैं जरूर उसकी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। बाबा साहब के जन्म स्थान मध्य प्रदेश महू में यादगार स्मारक का निर्माण किया गया, महाराष्ट्र में इंदू मिल चैतन्य भूमि पर बेहतरीन स्मारक बनाया गया, महाराष्ट्र के ही नागपुर स्थित दीक्षा स्थल को अध्यक्ष जी मैंने बैठा दिया ना उनको, अध्यक्ष जी महाराष्ट्र के ही नागपुर स्थित शिक्षा स्थल को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया, दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थल पर भी उनका स्मारक बनाया, और छात्र के रूप में लंदन में जिस इमारत में उन्होंने रहे और शिक्षा ग्रहण की वहां भी शानदार स्मारक बनाया, और इसी प्रकार दिल्ली के 15 जनपद को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया। अध्यक्ष जी 1990 में जब भाजपा की मदद से नेशनल फ्रंट की सरकार चल रही थी, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिफारिश पर पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी गई, सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगाई गई, उनके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा की गई, ये कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या ये सम्मान प्रकट किया है पूज्य बाबा साहब के चरणों में, जिसकी मैं आज यह चर्चा करना चाहता था आदरणीय अध्यक्ष जी।